ऐसा हुआ था भाई, मेरे को कोई पता ही नहीं चला टेस्ट का सामान मैंने खा लिया, खाना करके खा लिया बस। भूख के बाद थोड़ा बहुत खा लिया, पता कुछ नहीं है। बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा होता है। एक अभी बाहर घूम रहे हैं, अच्छा माई से भी पूछ लेते हैं। आ जाओ, आपसे रिव्यू लेना है। अच्छा बाहर पूछना आपसे ये गवर्नर साहब बोल रहे हैं तो बाहर आके पूछ ले। सो परसों था 31st, स्पेशल डे। फिर न्यू ईयर आया, वो भी स्पेशल डे। आज है 2 जनवरी और हमारे लिए आज का दिन भी काफ़ी स्पेशल होता है, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा। तो आज है हमारे फौजी भाई का बर्थडे, मेरे बड़े भाई का। तो दादा तो आजकल यहाँ है नहीं, वो दिल्ली में है। तो आप लोग भी दादा को ढेर सारी विशेज भेजना और हमारी तरफ से भी दादा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैं शेयर करूँगा, हमारी पुरानी यादें और पुरानी फ़ोटोज़ कुछ होंगी मेरे पास, ढूंढूंगा मैं तो वो सब मैं व्लॉग में डालूंगा। सो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। कुछ टाइम पहले तक तो दादा लोग यहीं थे, दादा छुट्टी भी आया था कुछ टाइम पहले, लेकिन आजकल फैमिली भी हल्द्वानी चली गई है और दादा NSG में है, तो वो दिल्ली में है, गुरुग्राम या गुड़गांव साइड कहीं है वो। तो शायद वो लोग आज मनाएंगे, क्या पता दादा लोग वहाँ आर्मी में मनाते हैं नहीं मनाते हैं वो पता नहीं है मुझे। बाकी भाभी लोग हल्द्वानी में मनाएंगे बर्थडे, कुछ फ़ोटो जाएंगी तो वो भी शेयर करूँगा। अभी सबसे पहले देख के आते हैं मौसम बाहर का, अच्छी खासी धूप आ गई है। थोड़ा सा लेट शुरू कर रहा हूँ आज का व्लॉग। सो स्नेहा के कपड़े वगैरह धुल गए हैं और बाकी मौसम आप देख सकते हैं एकदम क्लीन मौसम है, अच्छी खासी धूप आ गई है। सो नाश्ता रेडी कर दिया है मैंने आज, आज मैंने बनाया है, देखो मैंने बनाया है ब्रेड ऑमलेट और बाकी सॉसेज वगैरह हैं और साथ में चाय। ये देखो कुछ तो चल रहा है बाहर। अच्छा ये चल रहा है, लाओ फिर हमें भी दो। सो मॉर्निंग का जो काम होता है ना, तो वो करके अभी जस्ट फ्री हुई हूँ मैं काम वाम करके अभी। तो आज है दादा का बर्थडे, यानी कि मेरे जेठ जी का। वैसे तो मैंने पर्सनली बधाई दे दिया उनको, बट एक बार व्लॉग में बोलना तो बनता है। सो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे दा, आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूरी करें। और आप लोग भी प्लीज जरूर विश करना उनके इस नए साल में, उनको बधाई जरूर देना और अच्छी अच्छी विशेस करना उनके लिए। तो आपने बधाई दे दी कब? सुबह। देख रहे हो आजकल बहुत फास्ट हो रहे हैं, मतलब मुझे, मैंने सोचा साथ में बधाई देंगे, फिर वैसे मैंने भी अकेले दे दी। तो आज क्या स्पेशल करें दादा के बर्थडे में? हम क्या स्पेशल कर सकते हैं, वो लोग है नहीं यहाँ, वो लोग होते तो कुछ ना कुछ या उनके यहाँ होता या हमारे यहाँ होता। नहीं वो तो ठीक है, फिर भी कुछ तो बनता है भाई। तो फिर केक लाए केक कौन काटेगा? केक तो दादाई कट करेंगे, वही करेंगे वो। तो कुछ स्पेशल बना सकते हैं हम, बच्चों को बुला सकते हैं। हाँ बच्चों को बुला सकते हैं, बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज सोच जो हमको बनाना आता है और हम खिला सकते हैं बच्चों को, लेकिन अभी तक हमने उनको खिलाया नहीं है, ऐसा कुछ चीज जो उसके, मतलब उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इतनी देर हम कैमरे पे ऐसे होल्ड करके तो नहीं रख सकते, सोच के बताएंगे कि क्या बना रहा है। ठीक है कुछ तो बनाएंगे फिर अब, क्योंकि कल ही हमने छोले। अच्छा बच्चों की छुट्टी भी तो होगी, छुट्टी बुला सकते हैं काकी और पीयूष को, बुलाते हैं कुछ बनाते हैं, दोपहर में ही बनाते हैं आज कुछ। कल न्यू ईयर का था थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन, तो हमने बनाया था छोले भटूरे, तो आज देखते हैं क्या बनता है। और दादा की फोटो अटैच कर देंगे यहाँ पर, तो आप लोग प्लीज अच्छे अच्छे विशेस करना। सो फाइनली हमारा डिसाइड हुआ है, आज हम बनाएंगे चिली पोटैटो, जो कि स्नेहा को बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। मैंने स्नेहा को आइडिया दिया है तो स्नेहा लग गई है बनाने में, आलू कट कर रही है अभी। आता है तो है ना, खिलाए नहीं थे दिल्ली में
दिल्ली में स्नेहा बहुत कुछ बना के खिलाती थी, यहाँ आके भूल गई है, तो आज इसीलिए चिली पोटैटो बनेंगे। होप कि भूली ना होए, अच्छे बना पाए, क्योंकि पीयूष राखी को अगर पसंद नहीं आए तो फिर उनके लिए दोपहर में फिर खाना भी बनाना पड़ेगा तेरे को, है ना। सो यहाँ पर आलू छिले जा रहे हैं, शिमला मिर्च, प्याज, सब कुछ रेडी किया जा रहा है। अगर पूरा बनाना दिखाएंगे तो फिर पूरा व्लॉग उसी का बन जाएगा, तो बना के ही दिखाते हैं सीधे, कुकिंग चैनल थोड़े ना है यार, है ना। अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो बता देना, मैं रेसिपी चाहिए तो गूगल में कहीं भी मिल जाती है। नहीं, मेरे वाले स्पेशल चिली पोटैटोस। वैसे पसंद तो आ जाएगा उनको, क्योंकि राखी को तो स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। पीयूष का थोड़ा डाउट है, लेकिन वो तो स्नेहा के हाथ में है कि वो कितना स्पाइसी रखती है। मेरे को तो स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, लेकिन घर का, बाहर की चीज़ें मैं कम खाना पसंद करता हूँ। फिर भी हो ही जाता है, कभी कभी हो ही जाता है, 10-15 दिन में एक बार बाहर का खाना भी हो जाता है। लेकिन घर में जो चीज़ बनी हो ना, मतलब जितने में घर में सबका बनेगा ना, उतने में मार्केट में खाते तो एक ही आदमी का बनता है। क्या ही, फिर आलू लगा थोड़ा बहुत ही, कुछ कुछ चीज़ें लगी बस। सो चिली पोटैटो बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, आलू कट चुके हैं, ये बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, शिमला मिर्च, ये क्या है, गाजर, और ये कुछ प्याज के पेटल्स, तो सब कुछ रेडी है, फटाफट बना लेते हैं। तो बच्चे भी पहुंच गए हैं, ये देखो, ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा। तो आज इनको, आज ही पढ़ने के लिए स्पेशली पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, तो आज इनको छोटी सी एक चिली पोटैटो पार्टी दी जा रही है। किस खुशी में पता है? नहीं। आज मौसा जी के, बड़े मौसा जी का बर्थडे है आज। अच्छा। बड़े मौसा जी मतलब मौसा जी के बड़े भाई, ठीक है। तो तभी दी जा रही है ये पार्टी, और तभी आज शायद मारवार भी नहीं पड़ सकती है तुझे इस खुशी में, ठीक है। तो बोल फिर, हैप्पी बर्थडे बड़े मौसा जी। हैप्पी बर्थडे बड़े मौसा जी, आज आपके बर्थडे की खुशी में मुझे मारनी पड़ने वाली है। थैंक यू थैंक यू। तू भी बोल भाई, हैप्पी बर्थडे बड़े मौसा जी। मुझे तो मार पड़ती ही नहीं है, बोल। मुझे तो मार पड़ती ही नहीं है। तो अभी फटाफट बना लेते हैं पहले चिली पोटैटो, क्योंकि बेचारे भूखे हैं। इसकी तो शक्ल से दिख, शक्ल से लग रहा होगा आपको ये कितने दिन का भूख है। ये बेचारा जब से बीमार हुआ ना, इसका जैकेट का और इसका कलर सेम हो गया है, डल काला काला पड़ गया है तो आजकल, है ना। वो खोल दो एग्जॉस्ट। तो फ्राइज हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देखिए रेड रेड फ्राइज एकदम। बाकी के अभी सॉसेज वॉसेज डल के मसाला यानी कि ग्रेवी बनना बाकी है, तो वो बन रहा है। बहुत तामझाम है भाई। बस सो फाइनली बन गया हमारा चिली पोटैटो। वाह, दिखने में तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है, अभी पता नहीं खाने में कैसा हो रहा होगा। दिखाते दिखाते तो रहा नहीं जा रहा है यार, मैं तो खा लेता हूँ। बाकी कोक ले लेते हैं, कोक बट रही है यहाँ पे भाई। चिली पोटैटो को हमने 5 मिनट में ध्वस्त कर दिया है, मतलब कि खा लिया है, और रिव्यूज लेने वाली हूँ मैं आप सबसे। मैं अपना रिव्यू लास्ट में दूंगी। सबसे पहला रिव्यू राखी का, पता भाई कैसा हुआ था? अच्छा हुआ था। अभी कितनी सीधी बन गई है देखो, अच्छा हुआ था। और उसमें क्या बोले पता, ये आलू आलू ये सब्जी तो है, लेकिन रोटी है। इसको चिली पोटैटो में स्नैक्स टाइप का नहीं लगा, इसको लगा कि सब्जी बना ली है, लेकिन रोटी बनाना भूल गई है मौसी। पीयूष कैसा हुआ था चिली पोटैटो? अच्छा हुआ था। इसने बिल्कुल खाया नहीं, पता है क्या हुआ, इसने फ्राइज पहले खा लिए और चिली पोटैटो जो सॉसेज वाला था वो खाया नहीं। बट मैंने इन लोगों को धमकी दी है कि चुपचाप से अच्छा हुआ है बोल देना, क्योंकि अगर गंदा हुआ है बोलोगे तो फिर मार खाओगे। और अब लेती हूँ फाइनल रिव्यू दीदी से, क्योंकि दीदी का झाड़ू वाड़ू लग रहा है। कैसा हुआ था भाई? मेरे को कोई पता ही नहीं लगा टेस्ट कैसा भूखे खा लिया, खाना करके खा लिया बस। भूख के बारे थोड़ा बहुत खा लिया, पता कुछ नहीं है। बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुआ था। एक अभी बाहर घूम रहे हैं, अच्छा हुआ था। माई से भी पूछ लेते हैं, आ जाओ आपसे रिव्यू लेना है। अच्छा बाहर पूछना आपसे। ये गवर्नर साहब बोल रहे हैं तो बाहर आके पूछ ले, तो बताओ कैसा बहुत हुआ था? मस्त हुआ था, मैंने खुद ही बनाया था इसलिए मैं 10/10 दूंगा। अच्छा खुद बनाया था आपने, सच बोल लिया करो थोड़ा। तो मैं अपना रिव्यू देती हूँ, मैंने ही बनाया था तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक था, अच्छा था, जैसा होता है वैसा ही था।
सो शाम होते होते ना जब तक धूप रहती है तब तक तो मतलब ठीक है, उसके बाद जैसे ही रूम के अंदर आते हैं ना, बस ये इतनी मोटी मैंने ये पहन रखी है और तब भी इतना जाड़ा लग रहा है ना, क्या बताऊं। उसके बाद वही रहता है कि रजाएं ओढ़ो, व्लॉग एडिट करो, अपना काम करो। बस अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि बर्थडे की कुछ फोटोज दादा की तरफ से या वीडियोज मिल जाए तो उनको भी अटैच कर दूंगा, उसके बाद व्लॉग एडिट करने बैठता हूँ। और आज के व्लॉग का टॉपिक पूरा दादा का बर्थडे रह गया। बचपन से ही ना हमेशा 1 जनवरी से ज़्यादा 2 जनवरी का इंतज़ार रहता था क्योंकि दादा का बर्थडे होता है, और काफ़ी सारे बर्थडेज हमने साथ में सेलिब्रेट किए हैं घर पे। तो हमारा बॉन्ड एक अलग तरीके का हुआ करता था क्योंकि हम दोनों भाई थे, बहन कोई थी नहीं, तो एक अलग टाइप का बॉन्ड हमने शेयर किया है। क्योंकि मैं दादा से 3-4 साल छोटा था तो घर में मैं सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड रहा हूँ हमेशा, और जब छोटे हुआ करते थे तब फाइट वाइट भी होती थी दादा और मेरी काफ़ी, लेकिन तब ऐसा लगता था ना कि एक दिन के लिए भी अगर बिछड़ जाएंगे, मतलब दादा कहीं चले जाएगा या मैं कहीं चले जाऊंगा, तो बड़ा अजीब लगता था। लेकिन देखो वक्त कहाँ ले आता है, आजकल ऐसा टाइम आ गया है कि कभी कभी सालों हो जाते हैं। जब मैं दिल्ली था उस टाइम पे भी ऐसा टाइम आ गया कि मतलब सालों हो जाते हैं, महीनों हो जाते हैं, मिलते ही नहीं है। बर्थडेज तो मतलब मुझे याद ही नहीं है लास्ट टाइम हमने कब सेलिब्रेट किया था साथ में। नमन के बर्थडे में मिले थे, और क्या कहते हैं वो शिवांश के अन्नप्राशन में, तो इन चीज़ों में तो मिले हैं, बर्थडेज आजकल सेलिब्रेट साथ में कभी नहीं किए हैं। होप कि जल्दी कर पाए कभी फ्यूचर में। बाकी फोटोज वगैरह आएंगी तो अटैच करूंगा, नहीं तो एंड करेंगे। अभी स्नेहा बना रही है चाय, तो फिलहाल चाय पी लेते हैं। ये देखिए स्नेहा की बन गई है चाय, और पूरे ठंड में अभी बड़ी मुश्किल से उठा रखा है इसको चाय बनाने के लिए, और पता नहीं क्या देख रही है वहाँ पे, क्या देख रही है रे? प्लेट वेला। चल हद हो गया ये, क्यों देखती है सब, तो बेकार बेकार चीजें। बेकार बेकार चीजें नहीं है, बिग बॉस पिट्सुला ये सब देखती है। शाम की चाय मिश्री वाली, तो पी लेते हैं अभी चाय। तो फिलहाल चल रही है हमारी चाय, और इसके साथ स्नेहा एक गाना सुनाना चाहती है आपको। सुना? अभी तो बोल रही थी सुनाऊंगी। कौन सा? कभी बोला? झूठ बोलते, खाली में कैमरा लगा के कुछ भी बोला। मैं सोच रहा था कुछ तो सुनाएगी, लेकिन कुछ नहीं सुनाएगी। सुनाऊं? सुना। आजकल कौन सा चल रहा है यार? पतली कमरिया मोरी। आप बोलो हाय हाय। हाय हाय हाय। तिरछी नजरिया मोरी। हाय हाय हाय। ये क्या था? आजकल तो एमसी स्टैन के गाने चल रहे हैं। एमसी स्टैन ने जो बोर किए है ना एपिसोड में कल, मतलब भाई साहब ऐसा बोर कभी जिंदगी में, इतना गंदा एपिसोड नहीं देखा बिग बॉस का।